प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शेप ट्रांजेक्शन्स के बारे में। हम जानेंगे कि बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन के हम किस प्रकार से शेप ट्रांजेक्शन्स बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हैं या फिर पेन टूल की सहायता से भी आप कोई शेप ड्रा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, सभी शेप्स पे ये समान रूप से काम करेगी। तो सबसे पहले तो हम एक कलर मैट बना लेते हैं। कलर मैट हम यहाँ पे सिर्फ बेस के लिए बना रहे हैं, आप चाहें तो किसी इमेज या वीडियो क्लिप पे भी ये बना सकते हैं। कलर मैट को हम टाइमलाइन में डालते हैं और यहाँ पे हम टाइमलाइन में कुछ एक्स्ट्रा वीडियो ट्रैक्स ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम थर्ड वीडियो ट्रैक पे राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक्स पे क्लिक करेंगे और 4 वीडियो ट्रैक्स ऐड करेंगे। अब हम शेप लेते हैं, तो शेप के लिए हम सर्किल शेप लेंगे। तो ग्राफिक्स मेन्यू में न्यू लेयर पे जा के एलिप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शेप बन जाएगी। अब हम इसको थोड़ा शेप के रूप में बनाते हैं, तो ये इस प्रकार से सर्किल शेप में बन जाएगा। अब हम इसको अलाइन करते हैं सेंटर और वर्टिकल। ग्राफिक्स मेन्यू में अलाइन सेंटर और वर्टिकल। अब हम इस शेप पे ट्रांजेक्शन बनाते हैं राइट टू सेंटर मूव और फिर सेंटर से पूरा एक्सटेंड होने का एनिमेशन बनाते हैं। तो इसको हम प्लेहेड को रखते हैं सेंटर में और यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स कंट्रोल है, यहाँ पे हम ये जो पोजीशन देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक शुरुआती की फ्रेम बन जाता है। और अब हम इसको मूव करते हैं राइट साइड में यहाँ पे, और ये जो प्ले हेड है इसको हम लाते हैं 9th फ्रेम पे और यहाँ पे हम ये जो रीसेट पैरामीटर है इस पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्लिक करने से एक तो ये शेप सेंटर में आ जाएगी और राइट टू सेंटर मूव का एक एनिमेशन बन जाएगा। अब हम ये जो मोशन में पोजीशन के नीचे स्केल है इस पर क्लिक करते हैं और ये जो की हेड है इसको लेके जाते हैं हम 21वें फ्रेम पे और यहाँ पे हम इसको पूरी तरह से एक्सटेंड कर देते हैं कि ये स्क्रीन का एरिया कवर हो जाए इस प्रकार से। तो अब ये एनिमेशन बन गया है राइट टू सेंटर और फिर सेंटर से जूम इन का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, तो एल्ट बटन प्रेस करके इसको शिफ्ट अप कर देते हैं तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। और कॉपी को हम यहाँ पे रखते हैं 6th फ्रेम आगे। अब ये जो दूसरी कॉपी है इसकी, इसका हम कलर चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफिक्स मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे एडिट मेन्यू में जो शेप है, शेप का कलर हम यहाँ से सेट कर देते हैं ये कलर। अब हम इसकी एक कॉपी और बनाते हैं, एल्ट बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और इसको हम रखते हैं 12वें फ्रेम पे। इसका भी हम कलर चेंज करते हैं यहाँ से, इसका कलर हम रखते हैं ये वाला। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। थोड़ा बेटर लुक देने के लिए हम इस पे
शेप पे कुछ इफेक्ट डालते हैं, तो इफेक्ट्स में हम ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करते हैं और ये जो सेकंड ग्राफिक कॉपी है इस पे हम डालते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल में हम ये जो ड्रॉप शेड है इसकी ओपेसिटी को सेट कर देते हैं 90 और डिस्टेंस को सेट कर देते हैं 0 और सॉफ्टनेस को सेट कर देते हैं 25। और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं ये जो थर्ड ग्राफिक लेयर है, इसको कंट्रोल और वी प्रेस करके इस पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये इंट्रो हो गया, तो अब हम इसको आउट्रो भी बनाते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इन तीनों की एक कॉपी बना लेते हैं, एल्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करके नेस्ट करते हैं और नेस्ट करने के बाद में इसको हम राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन और यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब हम इसको किसी वीडियो क्लिप पे ट्राई करके देखते हैं, तो इसके लिए हम वीडियो क्लिप इंपोर्ट करते हैं। कलर मैट को हम अब क्लियर कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इंट्रो और आउट्रो का जहाँ पे ये जो कट है, यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप्स का कट रखना है ताकि इस प्रकार से ये शेप दिख सके। तो इस प्रकार से आप किसी शेप की सहायता से प्रीमियर प्रो में ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।